हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द फॉल। ये मूवी साल 2016 में रिलीज हुई थी और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 10 है। और ये मूवी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्टोरी जिस फॉरेस्ट पर बेस्ड है सचमुच में वो जापान में एग्जिस्ट करती है फुजी फॉरेस्ट के नाम से, और उसका दूसरा नाम सुसाइड फॉरेस्ट भी है। तो होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम सारा को देखते हैं जो कि इस मूवी का लीड रोल है, और सारा अमेरिका में रह रही होती है और उसकी एक जुड़वा बहन भी होती है जिसका नाम जैस होता है और वो जापान में एज अ टीचर जॉब कर रही होती है। और एक सुबह सारा को जापान पुलिस की तरफ से एक कॉल आता है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि सारा की बहन जैस शायद मर चुकी है, क्योंकि आखिरी बार जैस को आकीगहारा के पास जाते हुए देखा गया था जहाँ पर लोग सुसाइड करने के लिए जाते हैं और वो फुजी फॉरेस्ट का एक हिस्सा होता है, और जैस तब से वहाँ से लौट कर नहीं आई थी। सारा यानी सुनकर परेशान हो जाती है अपने बहन के लिए और वो जापान जाने की सोचती है जैस को ढूंढने के लिए। और सारा अपने बॉयफ्रेंड रॉब के रोकने पर भी नहीं मानती क्योंकि उसे यकीन था कि जैस अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो उसकी ट्विंस होती है और उन दोनों में एक अननोन कनेक्शन होता है, तो दोनों एक दूसरे को सेंस कर सकती थी। सारा फिर निकल पड़ती है जापान जाने के लिए, और जापान पहुंचने के बाद सारा वहां के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है जो उसे जिंदा फिश ही खाने के लिए दे देता है जैसे वहां के लोग खाते होंगे, लेकिन सारा से वो खाया नहीं जाता और वो अपने रूम में आकर कुछ और कुकीज वगैरह खाकर काम चलाती है। और रात में सोते समय सारा को एक सपना आता है जहाँ पर वो जैस को एक येलो टेंट में देखती है, और जैस अपने चाइल्डहुड अवतार में होती है और सडनली देखते ही देखते जैस एक डिमोनिक रूप में बदल जाती है। सुबह होने के बाद सारा निकल पड़ती है जैस के पढ़ाने वाले स्कूल में, और वहां पहुंचते ही सब बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं उसे जैस का भूत समझकर। तो वो हेड टीचर सारा को ये बताती है कि सब बच्चे उसे जैस का यूरे समझ रही है, और जापानीज में यूरे का मतलब गोस्ट होता है जो कि इस फॉरेस्ट में मरने के बाद लौट कर आता है। और वो टीचर सारा को ये भी बताती है कि पुराने जमाने में जब लोगों के पास खाने पीने की कमी होने लगती थी तब वो बूढ़े बीमार लोगों को उस फॉरेस्ट में ले जाकर छोड़ आते थे जिससे कि वो उस जंगल में भूखे प्यासे मर जाते थे, और मरने के बाद उनकी आत्मा वापस से लौट कर आती थी, और तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती थी क्योंकि वो लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तड़प कर मरे हुए होते हैं। और ये सारी बातें होने के बाद सारा जैस के रहने वाले रूम में जाती है, और तब उनके फोटोज देखकर वो जैस को याद करने लगती है, और वहाँ पर सारा को जैस के एंग्जाइटी वाले मेडिसिन भी मिलते हैं जैसे जैस तब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होती है और इसी वजह से उसने वो कदम उठाया था। और हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ जैस अपने ग्रैंड मदर का ख्याल रख रही होती है वहीं सारा ने उनके प्यार को भुला दिया होता है और जल्दी उनसे कभी मिलने भी नहीं आया करती थी। सारा इसके बाद एक जगह पर पहुंच जाती है जो कि एक तरह से फॉरेस्ट का रेस्ट स्टॉप था, और सारा वहां पर जाकर उसके ओनर से जैस की फोटो दिखाकर उससे पूछती है कि क्या उसने कभी जैस को देखा है। तो वो लेडी हाँ बोलती है और वो सारा को बेसमेंट में लेकर जाती है जहां पर उसने बहुत सारी राशि रखी हुई होती है जो उस फॉरेस्ट से बरामद की गई थी, और वो सोचती है कि शायद उन्हीं में से एक जैस की लाश भी होगी, लेकिन सारा उस लाश को देखते ही साफ मना कर देती है कि वो जैस की लाश नहीं है। और सारा तब उस ओनर से एक गाइड हायर करने के लिए प्लीट करती है जो उसे उस फॉरेस्ट में उसकी बहन को ढूंढने में उसकी मदद करे, लेकिन वो ओनर इसके लिए साफ मना कर देती है क्योंकि इसके लिए कोई रेडी नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क था और उस फॉरेस्ट में जाना बहुत ही डेंजरस होगा। और तब सारा वहां से बाहर आती है, और तब बाहर जाने के बाद एक लेडी सारा को वार्न करती है कि उसे हमेशा अपने पाथ पर ही रहना चाहिए वरना यूरे उसके सैडनेस को फील कर लेगी और वो उसी के सैडनेस को उसी के खिलाफ यूज करेगी और मजबूर कर देगी कि वो खुद को मार डाले और उसके मन में तमाम तरह के वहम पैदा करेगी। लेकिन सारा उस लेडी की बातों को इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। तब शाम को एक होटल में सारा को एक आदमी मिलता है जिसका नाम एडन होता है, और वो पेशे से एक जर्नलिस्ट होता है, और वो सारा से बातें करने लगता है। वो सारा से बताता है कि वो एक स्टोरी लिख रहा है आकीगहारा फॉरेस्ट पर ऑस्ट्रेलियन मैगजीन के लिए। तभी तब एडन से बताती है कि वो प्लान कर रही है उस फॉरेस्ट में जाकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए। एडन पहले तो कहता है कि अगर वो वहां जाएगी तो वो खो जाएगी, लेकिन सारा से दोस्ती करने के लिए वो सारा को दूसरे दिन वहां जाने के लिए ज्वाइन करने के लिए बोलता है, पर सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि अगर वो उसके सर्च के बारे में स्टोरी लिखने देगी तब। और सारा इसके लिए मान भी जाती है। सारा तब एडन के साथ थोड़ी देर अपने पास्ट के लाइफ के बारे में बातें शेयर करती है कि जब वो छोटी थी तब वो और जैस अपने ग्रैंड मदर के साथ में रात में बैठे हुए होते हैं, तभी उन्हें एक क्रैश की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उसका पता लगाने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर ने उनके पेरेंट्स को क्रैश करके मार डाला है। लेकिन ये बात सरासर झूठ होती है, और असली बात तो ये थी कि सारा के फादर ने पहले अपने वाइफ को गोली मारी और फिर वो खुद को भी गोली मार लेते हैं।
और तब जैस ने उनकी बॉडीज को उसी हालत में देख लिया होता है और शायद वो उस सदमे से कभी उभर नहीं पाई थी। सैरा ने अपने पेरेंट्स के डेथ के बारे में झूठ बोला था क्योंकि वो उसे ट्रस्ट नहीं करती थी। दूसरे सुबह एडन मिची को सैरा से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि एक पार्क नेचर गार्ड होता है और वो भी उनकी मदद करेगा जैस को ढूंढने में। मिची पहले ही सैरा को वार्न करता है कि वो फॉरेस्ट में एंटर होने से पहले अपने सैडनेस को लेकर ना जाए, लेकिन सैरा उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो लगातार जैस को याद कर रही होती है और वो उनके साथ में चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि जैस अभी भी जिंदा है और वो तीनों फॉरेस्ट के नो एंट्री में एंटर हो जाते हैं। सैरा तब उस फॉरेस्ट के क्रीपी और वियर्ड सन्नाटे वाले नजारे को देखती है और थोड़ी दूर जाने पर वो लोग वहाँ पर एक हैंगिंग डेड बॉडी को रिकवर करते हैं और उसे नीचे उतारते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस आदमी ने वहाँ पर टेंट भी लगाया हुआ होता है और साथ ही में एक लंबी रस्सी को भी वो अपने साथ में लेकर आते हैं जो कि उस टेंट के मैचिंग कलर का होता है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें मरना है या नहीं और अगर वो मर जाए तो वो उस रस्सी के हेल्प से उनके टेंट तक पहुंच सकते हैं। और आगे बढ़ने पर वो कुछ स्ट्रेंज वॉइसेस सुनते हैं लेकिन उनकी बातें कुछ ठीक से समझ में नहीं आती, पर उन्हें उसे इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि मिची ने उन्हें पहले से ही बताया हुआ होता है कि वो लोग वहां पर जो कुछ भी देखेंगे और सुनेंगे वो सिर्फ उनका वहम होगा। और कुछ ही देर में सैरा को जैस का वो येलो कलर का टेंट मिल जाता है, बिल्कुल उसके सपनों वाला, और उसमें जैस के कुछ चीजें भी होती हैं वहां पर जो सैरा तुरंत ही पहचान लेती है और जैस ने अपने कपड़े भी वहां पर सूखने के लिए डाले हुए होते हैं। सैरा बहुत ही खुश हो जाती है ये सब कुछ देखकर और अब वो जैस का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन अंधेरा होने वाला था और मिची उसे वहां उस रात में रुकने के लिए मना करता है, लेकिन सैरा जिद पर अड़ जाती है। एडन ये देखकर सैरा के साथ रुकने के लिए राजी हो जाता है और मिची फिर उन्हें वहां पर छोड़कर लौट जाता है और उनसे बताता है कि वो कल सुबह आएगा और वो टेंट को छोड़कर कहीं भी ना जाए। तब रात में सोते समय दोनों कैंप फायर जलाते हैं और एडन अब सैरा से अपने भाई के बारे में बताता है कि एक बार उसने सोचा कि वो अपने छोटे भाई के फाइट में उसकी हेल्प नहीं करेगा और इसलिए उसका भाई हमेशा के लिए बहरा हो गया, शायद चोट लगने की वजह से, इसलिए उन्हें अपने भाई बहन की मदद करनी चाहिए। और यही सोचकर वो सैरा का साथ दे रहा था उसकी बहन को ढूंढने के लिए। सैरा तब ये बातें सुनकर खुश हो जाती है और दोनों सोने चले जाते हैं। एडन तब टेंट के बाहर सोता है और सैरा टेंट के अंदर, और तभी बीच रात में सैरा को टेंट के बाहर किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है और एक हाथ भी उसे छूने की कोशिश कर रही होती है। तब सैरा एडन को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन एडन बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। तब सैरा टेंट का जिप खोलकर बाहर झांकने की कोशिश करती है और तब वो तीन लेडीज को व्हाइट कपड़ों में देखती है जो शायद यूरिज होती हैं और वो सैरा की तरफ ही लपकती हैं और सैरा तब फिर से टेंट में घुस जाती है डर के मारे। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो फिर से टेंट से बाहर झांकती है तो वो एडन को वहीं पर पड़ा हुआ देखती है और पेड़ों के पीछे वो किसी की भागती हुई परछाई देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है और वो एक स्कूल ड्रेस पहनी हुई लड़की होती है जो अपना नाम सैरा को होशिको बताती है और सैरा को एडन पर भरोसा न करने के लिए बोलती है और वो कहती है कि उसने जैस को देखा है और जैस ने ही उसे सैरा को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। लेकिन तभी एडन जाग जाता है और एडन सैरा को बुलाने लगता है और होशिको उसकी आवाज सुनकर वहां से भाग निकलती है और सैरा जब उसके पीछे भागती है तो वो कहीं पर अटक कर गिर जाती है और अपने हाथों को इंजर्ड कर लेती है। सैरा तब एडन से होशिको के बारे में बताती लेकिन उसकी दी गई वार्निंग को नहीं बताती। एडन तब सुबह होते ही फॉरेस्ट से निकलने के लिए सोचता है और मिची के आने का इंतजार भी नहीं करता क्योंकि सैरा बहुत ही बैडली हर्ट हो चुकी थी और उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत थी। और तब वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही घंटों बाद सैरा एक रिवर देखती है जो उसने मिची के साथ आते वक्त नहीं देखा हुआ होता है और वो एडन से इस पर सवाल उठाती है, लेकिन एडन कहता है कि नीचे तक फॉलो करके क्या पता हम वहां तक पहुंच जाए। और यहां पर एडन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उन्हें रास्ता नहीं बदलना चाहिए था। और बहुत देर तक चलते चलते सैरा उब जाती है और उसे लगने लगता है कि एडन उसे सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है और दोनों में बहस छिड़ जाती है। और तब सैरा के मन में एडन के खिलाफ शक पैदा होने लगता है होशिको की उन बातों को सोचकर। तभी गलती से एडन के फोन में सैरा की चुपके से रिकॉर्ड की हुई बातें चालू हो जाती हैं जो सैरा सुन लेती है और उसे गुस्सा आने लगता है कि एडन ने वो बातें बिना सैरा की इजाजत के रिकॉर्ड की हुई होती है और गुस्से में वो एडन का फोन मांगती है। तब एडन के फोन में सैरा को जैस के फोटोज नजर आते हैं जिससे सैरा का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि शायद एडन ने जैस के साथ कुछ बुरा किया होगा। और वो एडन की कोई भी बात नहीं सुनती और दोनों में हाथापाई होने लगती है। तब सैरा एडन को अपने जान के लिए खतरा समझती है और वो भागती है अपनी जान बचाकर और दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर पहुंच जाती है और वो अपना रास्ता भटक जाती है। और तभी वो कुछ वॉइसेस सुनती है जो उसे पलटने के लिए बोल रही होती है। वो वॉइसेस उसे लगातार आ रही होती है और अचानक से वो वॉइस ठीक उसके पीछे से आने लगती है और जैसे ही वो पलटती है तब वो अपने पीछे एक गोस्ट को देखती है और डर कर भागते समय वो एक होल से एक केव में गिर जाती है। और दूसरी ओर हम रॉब सैरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ अब सैरा को ढूंढने के लिए आया हुआ होता है
और मिची भी उसके साथ में होता है, जहाँ पर वो फिर से होशिको से मिलती है और वो सैरा को जैस को दिखाने के बहाने उसे अंदर लेकर जाती है और होशिको तब यूरे के रूप में बदल जाती है। तब सैरा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है और तब उस केव से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। और तब बहुत देर बाद एडन सैरा की आवाज सुन लेता है और तब वो उसकी मदद करता है उस केव से बाहर निकलने में, और कुछ देर एक दूसरे को समझाने के बाद फिर वो साथ में चलने लगते हैं। सैरा जब रिवर के पास बैठकर अपना घाव देखने लगती है तब उसे उसमें वर्म्स दिखाई देते हैं और वो उन वर्म्स को मारने के लिए उसकी नाइफ निकालकर उसे इतनी जोर लगाती है कि चाहे उसका हाथ ही कट जाता। और यहाँ पर एडन सैरा को एक ओल्ड रेंजर स्टेशन के अंदर लेकर जाता है कि क्या पता वहाँ पर कोई रेडियो हो और वो उस रेडियो से किसी को कॉन्टेक्ट कर सके, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। एडन तब वहाँ पहुँचने के बाद रेडियो को रिपेयर करने लगता है, तभी सैरा अपने बहन जेस की आवाज़ दरवाजे के उस पार से सुनती है और उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि एडन ने उसे वहाँ पर लॉक करके रखा हुआ है, और वो अंदर से सैरा के साथ नोट्स एक्सचेंज करती है। तब सैरा को उस पर विश्वास हो जाता है कि एडन ने जेस को बेसमेंट में लॉक करके रखा हुआ है और वो उन दोनों को मार डालेगा। सैरा तब एडन से जेस के बारे में पूछने लगती है और तब वो उसे एक किचन नाइफ से धमकाती है कि वो उस बेसमेंट की चाबी उसे दे दे और जेस को बाहर निकाले, लेकिन एडन को इसका कोई आइडिया नहीं होता और वो लगातार सैरा को समझा रहा होता है वो जो कुछ भी सोच रही है वो गलत है, लेकिन सैरा कहाँ उसकी एक भी बात मानने वाली थी और वो हाथापाई करने लगती है। और हाथापाई के दौरान वो किचन नाइफ को एडन के चेस्ट में स्टैब कर देती है, जिससे कि मौके पर ही एडन की मौत हो जाती है। और तब सैरा देखते है कि उस दरवाजे का लॉक खुल चुका था और सैरा को एडन के मरने के बाद ये समझ में आता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था और ना तो एडन के फोन में जेस की कोई फोटो थी और ना ही बेसमेंट के डोर के पास कोई उसे नोट्स दे रहा होता है, और ये सब यूरी ही उसे दिखा रही होती है। सैरा फिर उस बेसमेंट में जाती है जहाँ पर वो अपनी यंगर जेस को देखती है और अपने पेरेंट्स के उस सुसाइड सीन को भी। तभी उसके फादर का गोस्त सैरा का हाथ पकड़ लेता है और सैरा तब उनसे पीछे छुड़ाने के लिए उनके फिंगर्स काटने की कोशिश करती है और तब वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। तो उसके पीछे पेड़ों के पास काफी सारी आत्माओं को देखती है और तभी हम जेस को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती है, और जेस दौड़ते हुए इस लाइट्स की तरफ जा रही होती है और काफी रात हो चुकी थी और इसलिए फॉरेस्ट रेंजर्स और रॉब वापस जा रहे होते हैं। सैरा भी जेस को बुला रही होती है, लेकिन जेस सैरा की आवाज नहीं सुन पाती जो कि काफी शॉकिंग था। और तब जेस पहुंच जाती है उन फॉरेस्ट रेंजर्स के पास सेफली और हम सैरा को देखते हैं जिसके सामने होशिको खड़ी होती है और वो उदासी से सैरा के कटे हुए हाथों की तरफ देख रही होती है, जिसका मतलब सैरा ने हेलुसिनेशन में अपने फादर के फिंगर्स नहीं बल्कि खुद के ही हाथ के नसों को काट डाला हुआ होता है। और सैरा तब भी वहीं बेसमेंट में ही थी और वो भागी नहीं थी और वो वहीं पर मर चुकी थी, और वो सैरा नहीं बल्कि उसकी आत्मा होती है जो जेस के पीछे भाग रही होती है, इसलिए जेस को सैरा की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। और सैरा को जैसे ही ये समझ में आता है तभी जमीन के नीचे से ढेर सारी आत्माएं निकलती है और सैरा को जबरदस्ती जमीन के अंदर घसीट ले जाती है। और तब हम जेस को देखते हैं जो फॉरेस्ट में सैरा को ढूंढने के लिए जा रही होती है, लेकिन अचानक से उसे सन्नाटा महसूस होता है कि सैरा मर चुकी है। और तभी जेस को गाड़ी में बिठा दिया जाता है और सारे फॉरेस्ट रेंजर्स के चले जाने के बाद मिची फॉरेस्ट के एंडिंग पर सैरा को देखता है जो कि अब एक यूरी बन चुकी थी और शायद वो मिची पर अटैक भी कर देती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।